तो अब की बार हैदराबाद में आर पार। तो हैदराबाद के इस चुनाव की असली कहानी हम आपको समझाएंगे, क्योंकि चुनावी टक्कर की रणनीति को देखना बेहद जरूरी होगा। प्रचार में मुद्दों की धार समझनी होगी, जबानी जंग में इस्तेमाल हो रहे तीखे शब्दों पर भी आपको गौर करना होगा। अब तक ओबीसी दूसरों के गढ़ में घुसकर सीधा चैलेंज दिया करते थे, लेकिन बीजेपी ने अब नया दांव खेलते हुए ओबीसी के गढ़ में उनको चैलेंज किया। तीन तस्वीरें, प्रचार से पहले पूजा अर्चना, अमित शाह पहुंचे भाग्यलक्ष्मी मंदिर और वहां पर पूजा अर्चना की, मां का आशीर्वाद लिया, आरती की और इसके बाद काफिला आगे बढ़ चला, क्योंकि अगला पड़ाव है सिकंदराबाद जहां पर होना है रोड शो। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, मंदिर में पूजा अर्चना के बाद अब अमित शाह रोड शो के लिए रवाना हो चुके हैं। अपने चिर परिचित अंदाज में अमित शाह सबसे पहले गाड़ी से उतरे, कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे, अभिवादन किया, भाग्य लक्ष्मी मंदिर में गए, पूजा पाठ किया, आरती की और उसके बाद आगे बढ़े। चंदन से महत्ण्यम पवित्र पापनापनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा हरि ओम ओम गजाननम भूत गणादिदेवितम कपेत्थजम नाद प्रमोदनी श्रियम देवी मपहवे शेरमा देवी जुपता कामशोस्मिता हिरण्य प्राकार। सुरक्षा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आशीष पांडे भी हमारे साथ मौजूद है सिकंदराबाद से। आशीष, तैयारियां पूरी वहां पर? अच्छी हाँ नवजोत, मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूंगा कि वो दिखाएं कैसे बाजा नगाड़ा ढोल ताशा सारी चीजें बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं के अलावा अमित शाह जी जो पार्टी के स्टार कैंपेनर है, केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनके स्वागत में यहाँ पर सिकंदराबाद में जमीन पे उतारा है, सड़कों पर उतारा है। सिकंदराबाद के MP और गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी यहाँ मौजूद हैं और इस बस के ऊपर अमित शाह पहुँचने वाले हैं। करीब 10 से 15 मिनट का समय लगेगा उनको यहाँ पहुँचने में, लेकिन इस दौरान यहाँ पर अगर बात करें तो प्रधानमंत्री के मन के बात की रिकॉर्डिंग यहाँ चल रही है, गृह मंत्री का इंतजार हो रहा है, पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी जोश उल्लास और तेलंगाना के अलग अलग कल्चर, तेलुगु जो राज्य है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अलग अलग कल्चर्स को यहाँ दिखाने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं भगवा टोपी भगवा पगड़ी तो दिख रही है, साथ साथ तेलंगाना के अलग अलग कल्चर के यहाँ पर लोग भी आ रहे हैं, डांस जो फॉर्म्स होते हैं यहाँ के लोकल जो नृत्य होते हैं उनको यहाँ लेकर आया जा रहा है। और ये जो नगाड़ा है, ये जो ढोल नगाड़ा है, ये साफ तौर पे जाहिर करता है कि बीजेपी इस नगर निकाय चुनावों से राज्य में होने वाले 2023 के विधानसभा चुनावों की बिगुल फूंक चुकी है। ये आशीष, ये जो बिल्कुल आशीष रही है हमारे साथ, क्योंकि कुछ ही देर में अमित शाह का काफिला वहीं पर पहुंचने वाला जहां आशीष पांडे मौजूद है। हम चलेंगे आपके पास भी, आएंगे हम दोबारा से, लेकिन फिलहाल चलेंगे आशुतोष मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आशुतोष आपके साथ वो पंडित मौजूद है जो कि भाग्य लक्ष्मी मंदिर में थे जिस वक्त ये पूजा अर्चना चल रही थी। आशुतोष बिल्कुल नवजोत, यहाँ पर सूर्य प्रकाश जी हैं, जानकी शरण मिश्रा जी हैं, ये वो दो पंडित हैं जिन्होंने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को यहाँ पर पूजा प्रार्थना करवाई है। किस तरह की पूजा पाठ थी, किस तरह के मंत्र थे और क्या खास थी आज की पूजा में? यहाँ पे पहले उनका स्वस्थ वाचन से उनका स्वागत किया गया,
फिर माता जी के अष्टोत्तर नाम से उनकी अर्चना कराई गई, फिर सूर्य सूत का पाठ करते हुए उनकी पूजा विशेष पूजा मतलब कराई गई। भगवान उनको हमेशा सफल बनाए, उनको जो जिस लिए आए हुए हैं उनको भगवान उनको सफल। माना जाता है भाग्य लक्ष्मी का जो लोग उपवास करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, उन्हें संपन्नता मिलती है। आज तक जो कोई यहाँ पे आता है, जो भी मन्नत मान के जाता है, जो भी पूजा करके जाता है, हर किसी की मनोकामना भगवान माता जी यहाँ पे हर प्रकार से पूरी करते हैं। प्रकाश जी, वो कौन से विशेष मंत्र हैं जिनके जरिए आज वो पूजा पाठ संपन्न कराया गया? जी देखिए, हमारा उद्देश्य यही था कि वो माता जी के दर्शन करें और विजयी भाव उनको, तो माता जी का आशीर्वाद उनको अवश्य प्राप्त होगा। इस पूजा पाठ के जरिए उन्होंने चढ़ावा भी चढ़ाया, खास जो है चढ़ावा भी दिया माता को। जी, किस तरह का चढ़ावा था? वही हुंडी में डाले, जो भी उनकी इच्छा थी वो हुंडी में अपने डाल दिए हैं। विजय का आशीर्वाद मिला है आज उन्हें, पूरा पूरा पूरी अच्छी तरह से भगवान उनको सफल के बनाएगा। माता जी जो भी यहाँ पे आते हैं, दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, भगवान उनको हमेशा माता जी सफल करती है। उन्होंने कोई मांग भी की मंदिर के सामने जब पूजा हो रही थी, क्या उन्होंने कोई मांग भी मांगी या आपसे कहा कि ये हम मांगने आए हैं? ऐसा कुछ नहीं, भगवान उनके सामने पहुंचा तो भगवान अपने आप मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, कई सालों से हजारों से चल रहा है यहाँ पे प्रतिष्ठित मंदिर है। जो भी आता है, आज तक जो भी आया है यहाँ दर्शन किया है, उनकी मनोकामना पूर्ण हुई है। ये बड़ी बात है। जानकी शरण मिश्रा, वो पुजारी जो पूजा में शामिल थे, वो कह रहे हैं कि यहाँ आके आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, ईश्वर के दरवाजे पर आपको मांगना नहीं पड़ता। आपकी जो भी मन्नत है, जो भी ख्वाहिश है, अगर आप सच्ची आस्था सच्चे मन से आए हैं दरवाजे पर, तो हर वो मांग जो है वो पूरी जरूर होगी। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल आशीष लौटूंगी आपके पास। आशीष पांडे के कैमरे की तस्वीरें सिकंदराबाद से, आशीष हमारे साथ मौजूद है जहाँ से अमित शाह का रोड शो शुरू होना है। और आशीष, जो रंग नजर आ रहा है वो तो भगवा ही नजर आ रहा है इस पूरी तस्वीर में। जी हाँ नवजोता, बिल्कुल सही कह रही है। तेलंगाना को गुलाबी पार्टी के चंद्रशेखर राव की तेलंगाना राज समिति का गढ़ माना जाता रहा है। 2014 में केसीआर ने सरकार बनाई, 2018 में चुनाव में उन्होंने भारी सफलता हासिल की, भारी जीत हासिल की। अगर हम 2018 के चुनाव के रिजल्ट की बात करें तो 119 में से 100 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जमानत जब्त करी थी। लेकिन अभी जो इस महीने के शुरुआत में बिहार के साथ साथ दुबाका के असेंबली उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल की है, उसके बाद पार्टी जोश से भरी हुई है। यहाँ ये भी बात बताना जरूरी है नवजोत की 2019 के लोकसभा चुनाव, जो विधानसभा चुनाव के करीब 3 से 4 महीने के अंतराल पर हुए थे, उन चुनाव में भी बीजेपी ने सबको चौंकाया था। जब बीजेपी 4 सीटों पर, लोकसभा की 4 सीटों पर तेलंगाना में चुनाव जीती, यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जो बेटी है के कविता, उनको उनके गढ़ में बीजेपी के ने हराया था। और अब बीजेपी का सांसद निजामाबाद से है। तो ये जो भगवा रंग है, ये जो शो ऑफ स्ट्रेंथ है, ये जो शक्ति प्रदर्शन है, ये सिर्फ हैदराबाद तक ही सीमित नहीं है। जाहिर तौर पे बीजेपी के बड़े नेताओं से हमारी बात होती रह रही है, वो कह रहे हैं कि हम 2023 को निशाना साध रहे हैं, हम 2023 की तैयारी में जुटे हैं। हैदराबाद तो बस शुरुआत है। ओवैसी के गढ़ में ओवैसी को चैलेंज करना ये उनकी मंशा है, और ओवैसी को चैलेंज हैदराबाद में करने के अलावा पूरे तेलंगाना में तेलंगाना राज समिति और के चंद्रशेखर राव। बिल्कुल बिल्कुल आशीष, लगातार मैं चाहूंगी बिल्कुल जानकारी भी देते रहिए, लेकिन तस्वीरें बहुत अहम है आपके पीछे की, उसको देखना चाहेंगे हम। वो तस्वीरें अपने कैमरा पर्सन को कहिए लगातार वो तस्वीरें भी हमें दिखाते रहे, क्योंकि भगवा झंडे लगातार लहरा रहे हैं और हर तरफ वही रंग नजर आ रहा है। अमित शाह कुछ क्षण में यहाँ पहुंचने वाले। और सबसे जरूरी, सबसे अहम चीज देखिए आशीष, ये भी हमें बताइए, निजामों का गढ़ है, ओवैसी का गढ़ है, और उस बीच ये अमित शाह का पूरा रोड शो 2023 तक ही निशाना है। बिल्कुल नवजोत, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आप देखिए, भूपेंद्र यादव यहां पहुंच चुके हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने बिहार चुनावों से सीधे हैदराबाद के इस म्युनिसिपल चुनाव का इंचार्ज बनाकर भेजा। भूपेंद्र यादव यहां पहुंच चुके हैं, ओबीसी के जो राष्ट्रीय मोर्चा के, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं के लक्ष्मण यहां पे हैं। तो पार्टी जो है पूरी ताकत और बड़े बड़े दिग्गजों को इस म्युनिसिपल चुनावों को जीतने के लिए भेज चुकी है। अगर हम बात करें हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की अहमियत की,
तो अहमियत 25 विधानसभा 24 विधानसभा 119 में से 24 विधानसभा हैदराबाद में हैं, उसके अलावा 5 17 में से 5 लोकसभा क्षेत्र हैदराबाद ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आते हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 4 जिलों में, तेलंगाना के 4 जिलों में फैला हुआ है, और यहाँ पर अगर बीजेपी जीत हासिल करती है या बीजेपी अपना वोट परसेंटेज भी बढ़ाती है तो जाहिर तौर पे उनको बहुत बड़ी सफलता हाथ लगेगी, ऐसा पार्टी के जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, जब हमारी उनसे बात हो रही तो उन्होंने साफ कहा कि हम 2018 के चुनावों से लगातार अपना वोट प्रतिशत बढ़ाते जा रहे हैं, और इस चुनावों में भी पार्टी को उम्मीद है कि वो अप्रत्याशित रूप से अपने वोट परसेंटेज को बढ़ाएंगे, और ये जो शक्ति प्रदर्शन है उसी की कवायद साफ नजर आती है नवजोत। बिल्कुल आशीष रैया हमारे साथ, हमारे सहयोगी आशीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, तो रोड शो की शुरुआत बस होने ही वाली है, इस पर रहेगी नजर। फिलहाल यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए।